मुलायम सिंह की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और इसी को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव को डिंपल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में मैनपुरी से उतारा जा सकता है। इस पर डिंपल यादव का कहना है कि मैनपुरी में किसी से भी चुनाव के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और इसकी वजह मैनपुरी का जातीय समीकरण है, वो भी आपको समझा देते हैं क्योंकि मैनपुरी में पिछड़ी जातियों की बहुलता है और मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर है। इनकी संख्या 3,50,000 के करीब है। वहीं मैनपुरी में राजपूत वोटर्स की बात की जाए तो इनकी संख्या तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है। बात अगर शाक्य वोटर्स की करें तो इनकी संख्या 1,60,000 के करीब है, तो वहीं ब्राह्मण वोटर भी यहां पर 1,20,000 के आसपास है और मुस्लिम वोटर करीब 1 लाख हैं। इसी समीकरण को आज तक सैफई परिवार साधता आया है, जिसे भेदने के लिए अब सैफई परिवार की बहू को सैफई परिवार की बहू के सामने बीजेपी उतारने की कवायद कर रही। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी राजनीति? मैं समझती समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग प्यार और साथ मिल रहा है। वैसे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव पिछले कई दिनों से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। सबसे पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल से मिलने दिल्ली पहुंची। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की और इसी के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस बार आमने सामने एक परिवार की दो बहू चुनावी मैदान में लड़ते हुए दिखाई दे सकती हैं, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है तो वहीं मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू यानी कि अपर्णा यादव बीजेपी के टिकट पर मैनपुरी से प्रत्याशी हो सकती हैं। कल 2 घंटे से ज्यादा कोर ग्रुप की बैठक हुई, उस बैठक में बीजेपी की बची हुई 25 सीटों पर चर्चा हुई और चर्चा में शामिल मैनपुरी भी था। अभी यूपी की 24 से 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को मैनपुरी से डिंपल यादव के खिलाफ उतार सकती है, जो समाजवादी पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। दरअसल मैनपुरी 28 साल से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। इस सीट पर यादव शाक्य और राजपूत की बहुलता है। मोदी लहर में भी मैनपुरी में सपा की जीत हुई थी। अब अपर्णा के लड़ने से समीकरण बदलने की संभावना है। डिंपल को अपर्णा यादव ही टक्कर दे सकती हैं। यानी जिस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत का सिलसिला बरकरार है उस सिलसिले को तोड़ने के लिए बीजेपी नया प्रयोग कर सकती है और उस प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है जो मुलायम परिवार से है, जो डिंपल यादव की तरह मुलायम सिंह की बहू है। फिलहाल ये कयासबाजी है। इंतजार बीजेपी की तीसरी लिस्ट का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मैनपुरी लोकसभा सीट पर पिछले 28 साल से समाजवादी पार्टी का दबदबा है और ऐसे में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जीत के सिलसिले को रोकने के लिए बीजेपी मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को डिंपल के सामने उतार सकती है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी को हो, मैनपुरी में आदरणीय डिंपल यादव जी ने ऐतिहासिक जीत को दर्ज किया था और अब भारतीय जनता पार्टी को कोई ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसलिए सोच रहे होंगे कि किसी तरीके से कोई घर का जो है सदस्य वो तैयार हो जाए, लेकिन कोई घर का सदस्य मैनपुरी में लड़ने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आदरणीय डिंपल यादव जी के खिलाफ होगा उसको बड़े मार्जिन से हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अपर्णा यादव चुनाव लड़ना तो चाहती है लेकिन अपने निजी परिवार के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहती, चाहे वो अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, शिवपाल यादव हो, अक्षय यादव हो, खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ेगी, वो किसी ऐसी सीट से जहाँ की उन्हें फिजिबिलिटी हो।